और अभी मेरे टोर्नेडो की वजह से ना ये वेनम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। फ्रैंकलिन आयरन मैन मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। मैं अपनी लावा की पावर को वापस लेता हूँ, इसीलिए मुझे इस बार छोड़ दो आयरन मैन। नहीं लावा वेनम, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो देखो अभी मैं तुम्हारा यहाँ पर क्या हाल करता हूँ, ये लो मेरी पावर्स को। लावा वेनम अभी लॉस सैंटोस में आ चुका है और इस बार मैं अवेंजर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लावा की पावर आ चुकी है और आप सभी मेरी जंप को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं अभी आपको अपनी पावर दिखाता हूँ। तो देखो गाइज, मैंने यहाँ पर इस कार को कितनी आसानी से उठा लिया है और यहाँ पर अभी मैं कितनी ज्यादा तबाही मचा रहा हूँ, ये देखो मेरी पावर्स को। अवेंजर्स, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझ लावा वेनम को हरा के दिखाओ। सो गाइस, यार अभी तक तो आपको पता ही लग चुका होगा कि आज हमारी फाइट लावा वेनम से होने वाली है, इसीलिए यार आज ना हमें अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर को देखना है। अरे अरे अरे, लेकिन गाइस यार हमारे सामने ये कौन है? यार ये तो हमारा वेनम है, लेकिन यार क्या वेनम हमारी हेल्प करेगा? मुझे लगता नहीं है कि यार वेनम ना हमारी हेल्प करेगा, इसीलिए गाइस यार आज ना हमें इसे मैनिपुलेट करना होगा। तो चलो यार यहाँ पर मैं अपनी गन निकाल लेता हूँ और अभी हम वेनम को मारने वाले हैं। तो देखते हैं कि यार अभी यहाँ पर क्या होता है। ये ले वेनम, ये ले, ये ले, ये ले। भाई साहब, गाइस यार मेरी लेजर वाली गन तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन भाई ये फिर से उठ गया क्या? तो चलो यार एक बार मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि यार वेनम अभी जिंदा है या फिर नहीं। सो ऑसम गाइस, यार यहाँ पर हमने अभी वेनम को मार गिराया है और देखो भाई वेनम किस तरीके से गिरा हुआ है, यानी कि यार हमारी लेजर वाली गन ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और देखो यार एक बार आप वेनम की बॉडी को, गाइस यार सच में ये काफी ज्यादा बड़ा एवेंजर है, लेकिन यार ये ना इतना बड़ा है इसीलिए यार आज ना हमें इसकी पावर चाहिए होगी, क्योंकि यार हमें ना अपने अगले एवेंजर से भी फाइट करनी है, उसके लिए यार हमें ना वेनम की पावर चाहिए होगी। तो चलो यार अभी ना मैं अपनी वेनम की पावर लेता हूं, तो देखते हैं कि क्या हम वेनम की पावर ले पाते या फिर नहीं। सो 3, 2, 1 फायर। सो ऑसम गाइस, यार हमारे पास अभी वेनम की पावर आ चुकी है और देखो यार मैं आपको बोल रहा था ना कि हमारा वेनम काफी ज्यादा बड़ा है। आप यार अभी वेनम की बॉडी को देखो, ये सच में यार काफी खतरनाक है, इसीलिए यार अभी हम वेनम बने हैं। तो यहाँ पर हमें वेनम की बाइक भी मिल चुकी है, जो कि देखने में कितनी ज्यादा ऑसम नहीं लग रही है? यार जहां तक मुझे पता है ना, हमारे वेनम की बाइक में कुछ ना कुछ पावर तो होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कि इसकी पावर क्या है। अरे 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 भाई साहब, गाइस यार मेरी बूस्ट देखो एक बार, यार ये बाइक तो काफी ज्यादा तेज चलती है और जैसा कि यार हमारा वेनम का सिंबियोट है ना, वैसे ही यार ये बाइक भी काफी ज्यादा ओसम है। यार सच में यार जो हमारे अवेंजर्स के व्हीकल होते हैं ना, ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट गाइस यार हमारे इस वेनम के व्हीकल में एक पावर और ये भी है कि यार ये ना हमें अपने अगले अवेंजर के पास लेकर जा सकता है। तो चलो यार अभी मैं अपने जल्दी से अगले अवेंजर की लोकेशन पर पहुंचता हूँ ताकि हम उसे भी हंट कर सके। सो गाइस अभी हम यहाँ पर स्कूल में आ चुके हैं, यानी कि अभी हम लॉस सैंटोस के स्कूल में है और जहां तक मेरी बाइक मुझे बता रही है हमें अपना एक अवेंजर यहां पर मिलने वाला है। तो चलो यार देखते हैं कि हमारा वो अवेंजर कहां पर हो सकता है। अरे अरे अरे, लेकिन गाइस यार हमारे सामने अभी कोई एक अवेंजर है, यार जहां तक मुझे लगता है ये हमारा स्पाइडरमैन है। तो चलो अभी हम इसे देखते हैं। अरे भाई साहब, यार ये तो हमारा ज़ोंबी स्पाइडरमैन है, यार मुझे ना इसे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा पावरफुल है और जहां तक मुझे लगता है ये यार मुझे ना अच्छी खासी फाइट दे सकता है, लेकिन अभी मुझे फाइट करनी नहीं है। तो चलो यार यहां पर मैं अभी एक काम करता हूं, मैं पीछे से जाकर ना वेनम की पावर के साथ इस ज़ोंबी स्पाइडरमैन को मार गिराता हूं। तो चलो देखते हैं कि अभी यहां पर क्या होता है। ये लो, यहां पर मैंने ज़ोंबी स्पाइडरमैन को अपने हाथ में पकड़ा और इसे मैं यहां पर खा जाता हूं। सो ऑसम गाइस, यार यहाँ पर हमने ज़ोंबी स्पाइडरमैन की पूरी पावर को खत्म कर दिया है, इसीलिए देखो ये अभी बिल्कुल बेहोश हो चुका है और जहां तक मुझे लगता है ये यार अभी हमसे फाइट नहीं कर सकता है, इसीलिए यार अभी ना मुझे इस ज़ोंबी स्पाइडरमैन की पावर को लेना होगा क्योंकि इसकी मदद से ही मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एवेंजर के पास जा सकता हूं। तो चलो यार अभी मैं जल्दी से ज़ोंबी स्पाइडरमैन की पावर को भी कैप्चर कर लेता हूं। सो गाइस 3, 2
वन। सो ऑसम गाइस यार, अभी हमारे पास यहाँ पर ज़ोंबी स्पाइडरमैन की पावर आ चुकी है और अभी मैं आपको ज़ोंबी स्पाइडरमैन की पावर दिखाऊंगा जो कि हमारे स्पाइडरमैन की पावर से काफी ज्यादा अलग है। और जो हमारे स्विंग है ये आप देख ही सकते हो कि यार ये कितने ज्यादा ऊंचे हैं। लेकिन यार अभी ना यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो यार यहाँ पर ना मैं इन सभी को खाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देखना कि क्या होने वाला है। तो ये लो भाई साहब, यार मैं इन्हें क्या ही तो मार रहा हूँ और इनका यार काफी गंदे वाला हशर हो रहा है। और देखो मैं इन इंसानों को कितनी बुरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ और मेरा एक ही पंच इन सभी के लिए काफी है। और मेरे पास यार अभी क्या क्या पावर है, तो चलो यार अभी मैं अपनी सेकंड पावर ट्राई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी एक कार है और ये देखो भाई साहब, यार मैंने इस कार का क्या हशर कर दिया है। ये भाई बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी है। और अभी हमारे सामने ये जीप है और इस जीप का भी देखो हमने क्या हाल कर दिया है। यार ये काफी बुरे वाला हशर होता जा रहा है। और अभी हमारे सामने एक और जीप है, तो ये देखो भाई साहब मैं इन्हें यार बिल्कुल हवा में उछाल देता हूँ। और यार अभी ना मैं अपनी एक और पावर ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते कि यहाँ पर क्या होता है। अरे यार ये हमारे स्पाइक्स छोड़ रहा है क्या? तो चलो यार अभी मैं अपनी स्पाइक्स की पावर दिखाता हूँ। तो ये देखो यार ये इंसान मुझसे कैसे डर के भाग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने इस बुढ़ऊ को भी मार गिराया है। तो चलो यार अभी मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है और यार अभी मुझे यहाँ पर अपने लावा वैनम से फाइट करने जाना होगा। लेकिन यार अगर मुझे बीच में यहाँ पर कोई और एवेंजर मिल जाता है तो यार मैं उसकी पावर को भी कैप्चर कर लूंगा। सो गाइस यार अभी हम यहाँ पर ज़ोंबी स्पाइडरमैन की बाइक की मदद से यहाँ पर आ चुके हैं। और यार यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारा एक एवेंजर और यहाँ पर हमें अपना लावा वैनम मिलने वाला है। इसीलिए यार अभी हमें अपनी फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलो यार देखते हैं कि यार हमारा वो एवेंजर कहाँ पर हो सकता है। तो भाई लोग यार यहाँ पर ना मुझे कुछ अजीब सी वाइब आ रही है, यानी कि यार हमारा एवेंजर ना यहाँ पर ही है। तो चलो यार यहाँ पर मैं अपनी बाइक को खड़ा कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन हो सकता है। अरे अरे गाइस यार देखो अभी हमारे सामने यहाँ पर हमारा आयरन मैन है। अगर यार हमारा आयरन मैन मुझे ज़ोंबी स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में देख लेगा तो ये मुझे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यार अभी हमें इसे भी हंट करना होगा। तो चलो यार यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस आयरन मैन को भी मार गिराता हूँ ताकि मैं इसका सूट भी ले सकूँ। तो चलो यार देखते हैं कि ये मेरी गन हमारे आयरन मैन के सूट को मार सकती है या फिर नहीं मार सकती है। तो चलो देखते हैं। ये ले ये ले ये ले ले, ओ भाई साहब गाइस यार देखो हमने जहां तक लगता है हमने आयरन मैन के सूट को भी मार गिराया है। और यहां पर देखो यार हमारे आयरन मैन का क्या हाल हो चुका है। तो चलो यार अभी मैं इस आयरन मैन के घर में घुसता हूँ। सो गाइस यार फाइनली अभी हमने यहां पर अपने आयरन मैन को भी मार गिराया है। और मुझे लगा नहीं था कि यार हमारा आयरन मैन इतना ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन यार मुझे लगता है कि ये ना यहां पर अपने वेकेशन के लिए आया होगा, इसीलिए यार ये ना यहां पर अपने सबसे कमजोर सूट को लाया है। लेकिन यार ये सूट भी काफी ज्यादा पावरफुल है और यार अगर मैं इस सूट को लूंगा ना तो मेरे पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। तो चलो यार अभी मैं जल्दी से अपने इस आयरन मैन के सूट को भी पहन लेता हूं ताकि हम हमारे वैनम को बिल्कुल आराम से मार सके। तो चलो आ जाओ यार अभी मैं जल्दी से अपने आयरन मैन के सूट को भी पहनता हूं। सो 3, 2, 1। सो ऑसम गाइस यार अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे आयरन मैन का सूट भी आ चुका है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो चलो यार यहाँ पर अभी मैं अपने आयरन मैन के सूट की पावर टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये जा रही है और भाई साहब यार इसका मैंने क्या ही तो हाल कर दिया है। यार इसे तो मैंने बिल्कुल ही हवा में उड़ा दिया है। और यहाँ पर देखो मैं इन सभी का भाई क्या हाल कर रहा हूँ। तो चलो यार यहाँ पर ना मैं अपने आयरन मैन की अभी अपनी लेजर बीम ट्राई करता हूँ, क्योंकि यार हमारे इस आयरन मैन के सूट में ना लेजर बीम काफी खतरनाक वाली है। वैसे यार हमारे ये आयरन मैन का सूट काफी तेजी से उड़ रहा है, आप यार एक बार इसकी स्पीड देखो भाई। यार मैंने ना आयरन मैन का कोई भी ऐसा सूट नहीं देखा है जो कि इतनी ज्यादा तेज उड़ता हो, लेकिन यार ये सूट तो काफी ज्यादा ओपी है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी मैं अपनी लेजर ब्लास्ट ट्राई करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये इतनी सारी कार है तो मैं इन सभी को ही उड़ा दूंगा। तो यहाँ पर देखो भाई यार मेरी लेजर बीम तो काफी ज्यादा खतरनाक है और इनकी मदद से मैंने यहाँ पर सभी कार्स को तबाह कर दिया है। यार यहाँ पर इतनी महंगी महंगी गाड़ी थी लेकिन भाई मैंने इन सभी को ही तबाह कर दिया है। और यार अगर मेरे पास अभी कोई भी आएगा ना तो यार उसकी तो मैं काफी गंदी बैंड बजाने वाला हूँ। और यार अभी जो हमारा लावा वैनम है वो भी हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि अभी हमारे पास लावा की भी पावर आ चुकी है। तो लावा वैनम तुम कहाँ पर हो, आ जाओ मुझसे फाइट करने। सो गाइस यार अभी यहाँ पर लावा वैनम आ चुका है, लेकिन यार इसे तो आज मैं छोड़ूंगा ही नहीं। और हमारा लावा वैनम यार इसका मैं क्या हाल कर रहा हूँ वो तो आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर इस पर मैं अभी अपनी लेजर बीम डालता हूँ तो देखते कि इसका क्या हाल होता है। अरे
भाई ये कहां पर गया यार, ये तो अभी मुझे मारना स्टार्ट कर रहा है। और यार ये भी हमारा काफी ज्यादा पावरफुल है यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो हमारा लावा वेनम है ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अभी हमारे पास हमारे आयरन मैन की पावर है, तो ये देख लावा वेनम, अभी मैं तेरा यहाँ पर क्या हाल करता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर आप हमारी फाइट देख ही सकते हो कि इसे यार मैं कितना गंदा मार रहा हूँ। और यार जो मेरी लेजर की पावर है ना, ये अभी मेरे सबसे ज्यादा काम आ रही है। तो अभी यहाँ पर मैं यार अपने टोर्नेडो की पावर इस्तेमाल करता हूँ, तो देखो भाई साहब यार मेरा टोर्नेडो कितना ज्यादा खतरनाक है। और अभी मेरे टोर्नेडो की वजह से ना ये वेनम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन गाइस यार यहाँ पर ये क्या है, लावा वेनम ने यार अभी अपनी लावा की पावर को छोड़ दिया है, इसीलिए यार अभी मुझे यहाँ पर अपनी सोलर फ्लेयर ट्राई करनी होगी। और ये देखो मैंने यहाँ पर अपनी सोलर फ्लेयर से यहाँ पर इस लावा वेनम का क्या हाल कर दिया है। लेकिन यार लावा वेनम अभी हार मानने वाला तो नहीं है, तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर सकता हूँ यार, अभी यार मैं अब लेजर स्लाइस वाली पावर ट्राई करता हूँ, तो देखते हैं कि यार इसमें हमारी क्या पावर होगी। अरे भाई यार लावा वेनम कितना ज्यादा पावरफुल है यार, ये तो ना पत्थर निकाल निकाल के हमें मार रहे हैं। तो लावा वेनम तुम कहां पर गए? गाइस यार लावा वेनम को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यार अभी ना ये पीछे से वार करने लगा है, और यार अभी मुझे काफी ध्यान से इसे फाइट करनी होगी। तो यहां पर अभी यार मैं इसे एक बार उठा लूंगा ना, तो यार मैं इसकी अच्छी खासी पिटाई करने वाला हूं। तो देखो यार अभी मैंने यहां पर अपने वेनम को पकड़ लिया है, और इस लावा वेनम की यहां पर अभी मैं अच्छी तरीके से पिटाई करने वाला हूं, ताकि यार इसकी पावर ना काफी कमजोर हो जाए और फिर हम इसे बिल्कुल आसानी से हरा सके। तो यहां पर यार जहां तक मुझे लगता है मैंने लावा वेनम की अच्छी खासी पिटाई कर दिया है, तो इसे मैं अभी यहां पर छोड़ देता हूं, और अभी मैं यहां पर साइड में आ जाता हूं, तो देखते हैं कि यार अभी यहां पर क्या होने वाला है। तो गाइस यार जहां तक मुझे लगता है ना अभी हमारा लावा वेनम बिल्कुल कमजोर हो चुका है। तो चलो यार यहां पर अभी मैं इस पर अपनी एटॉमिक स्लैम मारने वाला हूं, फिर देखते हैं कि यहां पर इसका क्या हाल होता है। ये लो लावा वेनम। फ्रैंकलिन आयरन मैन मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होगे। मैं अपनी लावा की पावर को वापस लेता हूँ, इसीलिए मुझे इस बार छोड़ दो आयरन मैन। नहीं लावा वेनम, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो देखो अभी मैं तुम्हारा यहाँ पर क्या हाल करता हूँ। ये लो मेरी पावर्स को। सो ऑसम गाइस यार फाइनली अभी हमने यहाँ पर हमारे लावा वेनम को मार गिराया है। और यार हमारे लावा वेनम की पावर काफी ज्यादा ओपी थी, और यार जो उसकी वो लावा वाली पावर थी ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, इसीलिए यार हमारे लावा वेनम को मारना काफी ज्यादा मुश्किल था। और यार अगर हमारे पास हमारे सभी अवेंजर्स की पावर ना होती ना, तो यार हम अपने लावा वेनम को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते थे। इसीलिए गाइस यार आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट में बताओ। और यार अगर आप हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, तो यार जल्दी जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, फिर यार मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूं, जिसमें कि यार मैं हमारे इस अवेंजर की फाइट हमारे अपने और भी अवेंजर से कराऊंगा। तो यार अगर आप हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, तो यार जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि यार जब भी हम अपनी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।